जैसे जैसे इस दुनिया में कलियुग का दौर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों का भगवान पर से विश्वास भी उठता जा रहा है। पर इतनी नास्तिकता के बावजूद भी एक शक्ति ऐसी है जिस पर लोग आज भी पूरा विश्वास करते हैं, वो हनुमान जी की शक्ति है। जी हाँ, दरअसल लोगों का मानना है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर जिंदा हैं और धरती पर ही मौजूद हैं। वैसे भी हनुमान जी की शक्ति और पराक्रम के बारे में तो हर कोई जानता है, इसलिए हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और उनकी हर मनोकामना भी पूरी करते हैं। वैसे आज हम हनुमान जी के एक ऐसे चमत्कार से आपको रूबरू कराएंगे जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। इस चमत्कार के बारे में जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि हनुमान जी वास्तव में इस धरती पर मौजूद हैं। गौरतलब है कि जब आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो चढ़ावे के लिए नारियल जरूर लेकर जाते हैं, पर वहीं उस नारियल के टुकड़े पुजारी जी करते हैं। मगर आज इस मंदिर के हम बारे में बात कर रहे हैं, वहां नारियल के टुकड़े पुजारी जी नहीं बल्कि खुद हनुमान जी करते हैं। जी हाँ, हनुमान जी इस मंदिर में नारियल के दो टुकड़े खुद अपने हाथों से करते हैं। अब इन दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़ा तो भक्तों को प्रसाद के रूप में दे देते हैं, वहीं दूसरा टुकड़ा मंदिर में चढ़ावे के रूप में चढ़ा देते हैं। ये सब जानने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि भला हनुमान जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि वास्तव में ये चमत्कार होता कैसे है। दरअसल हम गुजरात में अहमदाबाद के सारंगपुर की बात कर रहे हैं। बता दें कि वहां हनुमान जी का एक मंदिर स्थित है जिसकी चर्चा काफी दूर दूर तक होती है। ऐसे में दूर दूर से लोग इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। दरअसल लोगों को ये लगता है कि इस मंदिर में हनुमान जी खुद अपने हाथों से नारियल फोड़ते हैं। वैसे आपको बता दें कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति खुद नारियल नहीं फोड़ती, बल्कि यह एक नई तकनीक है। यानी यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मंदिर के प्रशासन ने मंदिर प्रांगण को साफ सुथरा रखने के लिए नई तकनीक बनाई है। जी हाँ, दरअसल यहाँ हनुमान जी के अंदर एक मशीन फिट की गई है। इस तकनीक के अनुसार जब हनुमान जी की मूर्ति के अंदर नारियल को डाला जाता है तो यह मशीन ही उस नारियल के दो टुकड़े कर देती है, जिससे एक टुकड़ा बाहर की साइड और एक टुकड़ा अंदर की साइड गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी ने स्वयं ही इस नारियल को फोड़ा हो। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।